हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जोधपुर में सावन के चौथे सोमवार को सभी शिव मंदिर और शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी। शिवालयों में सवेरे से ही भक्तों की भीड़ रही। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के चौथे सोमवार को दुग्ध, शहर, एक्षुरास, ग्रत, गंगा जल आदि से अभिषेक कर महादेव को मनाया गया। शहर के भीतर स्थित अचलनाथ महादेव मंदिर में प्रातः दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं चांदपोल स्थित रामेश्वर सिद्धपीठ धाम, जूना खेड़ापति महादेव, महालेश्वर महादेव, एकलिंग महादेव, मंडलनाथ, जब्बरनाथ आदि मंदिरों में सवेरे से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गुंजायमान होते रहे। सुबह से ही ओमकारा के भजनों और मंत्रों के बीच शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और अन्य प्रकार के अभिषेक होने की फूल मंडलियां सजाई गई। भक्तों ने शिवालयों में आंख, धतूरा, बिल्व पत्र और भांग चढ़ाकर शिव आराधना की। शहर के भीतरी इलाके में अचलनाथ महादेव मंदिर, पब्लिक पार्क स्थित सार्वजनिक महादेव मंदिर, भूतनाथ, मंडलनाथ, माता जी का थान, रामसागर, सोजती गेट, रातानाड़ा शिव मंदिर, जूना खेड़ापति, बालाजी मंदिर और शहर के अन्य प्राचीन व नए बने शिवालयों में सावन के चौथे सोमवार को विशेष धार्मिक अनुष्ठान। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मंदिरों में भजन कीर्तन हुए। भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये सिलसिला दिन भर जारी रहा। इस कड़ी में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे वन खंड स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में पंडितों द्वारा प्राचीन शिव पर पंचामृत से अभिषेक किया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।